नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 3D मैप के बारे में। 3D मैप बेसिकली MS Excel का एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है जिसका यूज कंपनी वर्ल्ड वाइड वेब के डेटा को एनालाइज करने के लिए करती है। आप देखेंगे हमने यहाँ पर कुछ डेटा लिया हुआ है कोरोना वायरस का, जिसके अंदर हमने टोटल केसेस लिए हुए हैं, न्यू केसेस लिए हुए हैं, डेथ केसेस लिए हुए हैं। इस तरह से हमने इंटरनेट से पूरा का पूरा चार्ट रिपोर्ट किया है। मैं आपका सबसे पहले ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आप इंटरनेट के डेटा को किस तरीके से MS Excel के अंदर ला सकते हैं, किस तरीके से उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए आपको जाना है सीधे अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पर, और यहाँ पर हमने टाइप किया है कोरोना वायरस अपडेट। इस तरीके से आप कोई भी डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक लिंक आएगा वेबसाइट का, जिसमें आप देखेंगे कोविड लाइव अपडेट यहाँ पर लिखा हुआ है। इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर उसका चार्ट भी बना हुआ है, और साथ के साथ यहाँ पर देखेंगे उसका डेटा भी यहाँ पर पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। ये देखिए, यही डेटा हमने इंपोर्ट किया है अपने MS Excel की शीट पर। तो इस पूरे डेटा को आप किस तरीके से अपने MS Excel के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए करना क्या है, आपको इसके लिंक को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है सीधे MS Excel के अंदर। MS Excel में आने के बाद आपको जाना है डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब के अंदर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा फ्रॉम वेब का। इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको अपना लिंक डालना होगा जो कि हमने इंटरनेट से कॉपी किया था। इस URL को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद हम सिंपली यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद ये थोड़ा सा समय लेगा उसको इंपोर्ट करने में, तो इसे होने देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है नेविगेटर का। अब इसमें भी थोड़ा सा ये समय लेगा, इसको इंपोर्ट होने दीजिए। ये सभी डेटा को एनालाइज कर रहा है, जितना भी डेटा इंटरनेट पर पड़ा हुआ है उस सभी डेटा को यहाँ पर कलेक्ट कर रहा है, तो इसको कलेक्ट करने देते हैं। आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर चार डॉक्यूमेंट्स ओपन हो चुके हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी एक्सटेंशंस वगैरह हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद हमारे पास टेबल्स दी गई हैं। तो हम जीरो टेबल को ओपन करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कौन सा हमारा डेटा है। तो यही डेटा हमें चाहिए था, इस वाले डेटा को हमें सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा लोड का। इस लोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा जहाँ भी आपने कर्जर रखा होगा वहाँ इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, और आप देखेंगे यहाँ पर इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप देखेंगे हमारा डेटा यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इंटरनेट का कोई भी डेटा MS Excel के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको करना है क्या है, अपने डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी डेटा का आपको मैप बनाना है उसको कॉपी करके अलग शीट पर पेस्ट कर दीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पर कर रखा है। हम इसे हटा देते हैं क्योंकि हमने पहले से ही फाइल ली हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने इस डेटा को यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, और इसके बाद इस डेटा को आपको क्या करना है, सिंपली इस डेटा को आपको सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर जाकर के कंट्रोल ए प्रेस करिए। कंट्रोल ए प्रेस करते ही आप देखेंगे आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। और इसके बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर, और यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन नजर आएगा 3D मैप का। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे 3D मैप का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ से आपको लेना है न्यू टूर। न्यू टूर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा समय लेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और उसके बाद आपको एक मैप बना करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर देगा। तो आप देखेंगे हमारा मैप यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है, और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर फील्ड्स को सिलेक्ट करेंगे हमारा डेटा यहाँ पर शो अप होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लेबल पर जाना है। मैप लेबल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सभी कंट्रीज के नाम यहाँ पर शो अप होने शुरू हो जाएंगे, यानी सभी कंपनीज के नाम यहाँ पर आपके सामने स्टार्ट हो जाएंगे दिखने। और इसके बाद आपको जाना है इस वाले ऑप्शन पर। जैसे हम यहाँ पर टोटल केस को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने लेयर ओपन हो जाएगी। इस लेयर को आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। इस तरीके से मैनेज करने के बाद यहाँ पर आप फील्ड नेम पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप फील्ड नेम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी, और इसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है टोटल केसेस को। आप देखेंगे यहाँ पर डॉट्स के थ्रू वो सभी केसेस यहाँ पर शो हो रहे हैं, जिस कंट्री के अंदर जितना केस है उतना बड़ा डॉट यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप ग्राफ के थ्रू इसे देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डॉट के थ्रू आप इसमें देख सकते हैं कि किस कंट्री में कितने केसेस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप वर्ल्ड वाइड का कोई भी डेटा एनालाइज कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन दिया हुआ है
फ्लैट मैप पर। फ्लैट मैप पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका मैप जो होगा वो फ्लैट हो जाएगा, और इस तरीके से आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, उसे ढूंढ सकते हैं, अपनी कंट्रीज को ढूंढ सकते हैं, और उसके अंदर जितने स्टेट्स हैं आप उसको भी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं स्टेट के अंदर कितने केसेस हैं, अगर आपने डेटा यहाँ पर लिया हुआ है तो वो भी आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा, उस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी कंट्री को फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फाइंड पर क्लिक करना होगा। फिलहाल हम कंट्री से दूर चले जाते हैं, और इसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक किया फाइंड लोकेशन पर, और यहाँ पर डाल दिया हमने इंडिया। जैसे हमने इंडिया डाल करके इंसर्ट किया, ओके प्रेस किया, तो आप देखेंगे हमें इंडिया वाले लोकेशन पर लेकर आ चुका है, यानी आप अपनी कंट्रीज को यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं, इस तरीके से आप वर्ल्ड वाइड वेब के डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन है, और ऑप्शन है थीम का। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको किसी थीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने थीम दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स के आपके पास कलर दिए गए हैं, उस तरीके से आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। वापस से हम इसको 3D मैप में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्लैट मैप को हमने हटा दिया, और इस तरीके से आप अपने डेटा को देख सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का फीचर है MS Excel ने हमें दिया है इसको यूज करने के लिए। अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें वर्ल्ड वाइड का डेटा दिखाना हो, डेटा को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे आज की डेट में कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस वर्ल्ड वाइड वेब में फैला हुआ है पूरी तरीके से, और जहां जहां पर उसका जितने ज्यादा केसेस हैं उस तरीके से आपके सामने डॉट्स शो हो रहे हैं। तो इसका बहुत ही अच्छी तरीके से आप यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन फंक्शन हमें MS Excel ने दिया है। तो दोस्तों यही था 3D मैप। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।